अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो खुदा के कलाम से परमेश्वर कुछ खास बात आपसे करना चाहता है। 6:13 फर्स्ट कुरिन्थियों 6:13 पढ़िएगा। हालेलुया। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। आमेन। आमेन। इस बात को आपको समझना बड़ा जरूरी है। कहते हैं भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। अगर सचमुच परमेश्वर भूख को ही खत्म कर दे कि इंसान को भूख लगे ही ना, तो फिर क्या पेट की जरूरत होगी? हाँ? नहीं होगी, नहीं होगी। सच्चाई है। हालेलुया, सच्चाई है। अगर एक जैसे बाल है ना, अगर परमेश्वर बाल उगाना ही बंद कर दे तो बालों का तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जो होगा ही नहीं उसको क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसे ही वचन में लिखा है कि जैसे पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, ऐसे ही प्रभु का कलाम कहता है देह जो शरीर है ये व्यभिचार के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए और परमेश्वर देह के लिए। क्या लिखा है? जो देह है ये परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर इस देह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब अपनी अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इस देह को चंगा रखता है, सुरक्षित रखता है। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे एक सीन देख पा रहा हूं, मैं एक सीन देख पा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी आंख देखने के लिए है, हमारी आंख देखने के लिए है और इसके ऊपर पलक लगी है। बाय चांस आंधी आती हो, तूफान आता हो, कचरा आता हो, हम एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं, है ना? हम इसको क्यों सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं? देखते हैं। अगर ये कुछ खराब होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। हमें पता है कि हमने इसको बचाया नहीं तो देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही लिखा है कि देह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर देह के लिए। खुदा को पता, अगर इस देह को कुछ हो गया, इस देह को मैं बचाऊंगा, अगर इस देह को कुछ हो गया तो फिर महिमा कौन करेगा? हालेलुया, समझ आ रही? अगर आपने इस देह को प्रभु के लिए लगा दिया तो प्रभु इस देह की हमेशा रक्षा करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर इस देह की रक्षा ना हुई तो महिमा कैसे होएगी? हालेलुया, लोगों की सेवा कैसे होएगी? सब बोले आमेन, आमेन।